बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इसी के साथ सब बहन भाइयों से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि जिन्होंने मेरे चैनल तहरा अभी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो इसी के साथ चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो मेरी कुछ यूँ है कि आज हमेमा के पापा का सूट है दर्जी को सिलाई करने के लिए देना। तो जिस दुकानदार से हमने ख़रीदा था उसने कहा था कि ये पहले घर में एक दफ़ा सिलना खुद करना, क्योंकि ये ऐसा कपड़ा है ये बाद में भी सूखता रहता है। तो आज पहले ये हमेमा के पापा का सूट मैं घर में सिलिंग करूँगी, फिर इसको प्रेस करूँगी, तो बाद में दर्जी को देंगे वो जितनी देर मर्जी सूट सिलिंग करेंगे। तो कहते थे ये सुंगड़ता रहेगा। तो आज ये पहले मैं अमेमा के पापा का सूट खुद पानी में इधर भुगो के रखूंगी, शीलिंग करूंगी, तो बाद में दर्जी को दे के आएंगे। तो साथ ही साथ पिछली वीडियो में भी मैंने अपना सूट दिखाया था, ये भी आज मैंने शीलिंग करना है, फिर सिलाई करूंगी। तो ये इसकी शलवार और ये पीस फ्रंट साइड और बैक साइड और बाजू अलग अलग करके मैं शिलिंग करूंगी। तो अब ये अलग कर लेती हूँ पहले। बेटा शोर क्यों कर रहे हो, चुप करके बैठो, शोर नहीं करते अच्छे बच्चे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अब ये पहले बाजू अलग करती हूँ। अमेमा कबीर बेटा मेरी बात सुनो, इधर आओ मेरे शेर छोटे छोटे, ये मेरा सूट प्यारा है या नहीं? ये अमेमा का सूट प्यारा है, किसका सूट प्यारा है? मेरा प्यारा है। अमेमा आपको आप सूट कैसा लगा है? ये अमेमा को क्या कहेगी मेरा सूट है? दोनों की जटक सुनी तार नीचे छोटी है इसलिए मैं ये पीस अलग कर रही हूँ पहले, नीचे ना लगेंगे जमीन पर इसलिए। ना शोर करो बेटा, चलो जी ये दोनों ये है फ्रंट साइड, ये भी अलग हो गई है और ये बैक साइड भी अलग हो गई है। तो अब ये अलग कर लिए, अब मैं इनको करती हूँ शीलिंग। और ये मेरे पापा का सूट भी
तो अब ये मैंने एक बाल्टी ली है, इसमें डालती हूँ पानी। मामा जी अच्छे हैं ना, मामा जी अच्छे हैं ना, मामा जी अच्छे हैं ना। मामा के पापा का सूट भी मैंने शिलिंग करके इधर पानी में भिगो के रख दिया, ये अभी थोड़ी देर भिगो के रखूंगी। तो अपना मैंने शिलिंग करके इधर डाल लिया तार के ऊपर, तो अब सूखता है तो फिर बाद में प्रेस करती हूँ। तो पहले और सिलाई करने वाले कपड़े हैं वो करती हूँ। ये सूट तो मैंने शिलिंग कर लिया है, तो अपनी तरफ से तो अच्छी तरह देखा था। तो अब जो मेरा नुकसान हुआ इस सूट का, ये शलवार के ऊपर इतना बड़ा टोका आ गया। तो अब ये शिलिंग भी हो चुका है, तो इसका पता नहीं अब मैं क्या करूँगी, मुझे कोई नहीं समझ वगैरह आ रही। तो अब ये मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, गरीब बंदा एक ही सूट लेने को सोचता रहता है, जब ऐसा कोई मसला बन जाए तो फिर टेंशन बन जाती है। अब मैं आई हूँ भाभी के कमरे में, भाभी तो घर नहीं है, तो भाई सो रहे थे, इसको चाय दी है। तो अब इधर खड़ी होकर मुझे जो फूल वगैरह बड़े प्यारे लग रहे थे, तो मैंने ये सीन भी डाल दिया वीडियो में, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। काफ़ी बर्तन है मेरी भाभी के, काफ़ी प्यारे भी लग रहे हैं, और सबसे ये ज़्यादा प्यारे मुझे शोकेस वाले ये वाले बॉल लग रहे हैं, ये वाले भी, और ये वाले कप भी प्यारे लग रहे हैं, और ये वाले भी माशाल्लाह काफ़ी बर्तन प्यारे लग रहे हैं शोकेस अलमारी में। तो इधर आई थी, मैंने कहा मैं देखती हूँ भाभी ने नई चीज़ें कौन सी खरीदी हैं, इधर भाई के पास खड़ी होकर पूछ रही थी, तो साथ साथ वीडियो भी बन गई है। क्योंकि ये डब्बे मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस तरह के, मेरा दिल है खुद भी लेने को, अगर भाभी इधर होती तो फिर इसकी कीमत पूछ लेती। अब चलती हूँ भाई फियाज के कमरे में, उधर देखती हूँ कि उसने नई चीज़ें कौन सी खरीदी हैं, खुद तो वो बाहर निकला हुआ है, उसके कमरे में जाके देखती हूँ। अब आई हूँ मैं भाई फियाज के कमरे में, इसको जो गिफ्ट मिले थे वो मुझे वीडियो में मैंने देखे थे, काफ़ी खूबसूरत थे। तो एक तो ये वाला मग है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है, और एक ये वाला भी है, मुझे ये काफ़ी प्यारे लग रहे थे, तो आज मुझे याद आया कि मैं ये देखूं भाई फियाज की जो उसे गिफ्ट मिले गए हैं, एक ये वाला भी है माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत हैं। तो हाँ भाई तो कमरे में है नहीं, भाई ने जो कंबल वगैरह पैक करके भी सारे अम्मी ने और भाई ने ऊपर रखे हुए हैं, अभी अम्मी के कमरे की सफाई भी करने वाली हो गई और भाई के रूम की ये भी करूँगी अगर टाइम मिला तो। और जो ऊपर जो बड़ी ट्रे हैं ये भी मुझे काफ़ी प्यारी लग रही हैं इस तरह की, तो जितने मेहमान वगैरह आ जाएं तो फिर
अच्छी रहती हैं। तो ये भी इस तरह के भी लूँगी मैं, क्योंकि कहते हैं कि औरत को जो भी देखे उसका दिल करता है, ये भी मेरे पास हो ये भी, इसलिए मैंने ये भी मुझे पसंद है कि भाई ने अच्छी शॉपिंग की हुई है माशाल्लाह, अल्लाह मेरे बरतने नसीब करे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इन बहन भाइयों को पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।